सिरोही के माउंट आबू में भाजपा का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर आयोजित किया जा रहा है। ब्रह्म कुमारी संस्थान में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय शिविर में 248 परीक्षणार्थी शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यह शिविर अहम माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वी सतीश, अरुण सिंह, चंद्रशेखर, राजेंद्र राठौड़, अलका गुर्जर भी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हुआ है। 3 दिन का है, 2 रात्रि और 3 दिवस का। उसमें लगभग 1 दर्जन विषय हैं जिस पर अलग अलग तरीके से पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं का प्रबोधन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ये संगठन राजनीतिक होते हुए भी विशेष प्रकार से काम करता है। उसके कामकाज के तरीकों में है कि हम लोग सैद्धांतिक और व्यवहारिक इन दोनों ही पक्षों को ध्यान में रख के राजनीतिक क्षेत्र में काम करें, और उसमें प्रशिक्षण एक विशेष हिस्सा है जिसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। क्योंकि पार्टी बहुत धरातल से शुरू हुई और आज सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी पार्टी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के आधार पर काम करने वाला राजनीतिक दल है और विचारधारा का लगातार संवर्धन संपुष्ट हो सके, समाज से जो कार्यकर्ता इस विचार परिवार के साथ में जुड़ता है, विचारधारा के साथ में जुड़ता है, वो सदस्य कार्यकर्ता बने, कार्यकर्ता एक नेता बने और बने हुए नेताओं की भी धार लगातार पैनी होती रहे, विचार के साथ में उनका लड़ाव निरंतर बना रहे। इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी में सभी स्तरों पर इस तरह के प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाते हैं और इन प्रशिक्षण वर्गों की बदौलत कार्यकर्ताओं की कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी क्षमता का संवर्धन करते हुए कार्यकर्ताओं को नेता के रूप में विकसित किया जाता है। मैसेज लेकर जाएंगे आप लोग यहाँ से सभी पदाधिकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस है। हम अन्य राजनीतिक दलों से अलग है। पार्टी में काम करने वाला कार्यकर्ता एक मिशन के साथ काम करता है, पंच निष्ठाओं के साथ जुड़ता है, जिन निष्ठाओं के आधार पर पार्टी की साधारण सदस्यता लेता है। हम अपने कार्यकर्ताओं को उन नीतियों के बारे में, उन दर्शनों के बारे में और हमारी पार्टी की अब तक की यात्रा के बारे में प्रशिक्षणार्थी के रूप में प्रशिक्षण देते हैं, ताकि उनके जहन में अपने लक्ष्य के प्रति किसी प्रकार का भटकाव नहीं हो। इसके अलावा आज राजस्थान के अंदर जो सरकार चल रही है, उस सरकार की अब तक की विफलताओं पर भी हम चर्चा करेंगे और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ 8 वर्ष बेमिसाल, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। ये प्रशिक्षण शिविर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जिसका होता है, बाकी लोग तो बस्तों में अपनी पार्टी लेके घूमते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी अब तक अपनी PCC कमेटी भी नहीं बना पाई और एक तरफ हमारी पार्टी है जो बूथ कमेटी से लेकर राष्ट्रीय कार्य समिति तक चर्चा करती है, बात करती है। ओवरऑल इसमें आप 85 प्रमुख नेता थे, उनके अलावा और कौन कौन से प्रमुख नेता होंगे जिनके सत्र सुनने को मिलेंगे कार्यकर्ता? अभी वी सतीश जी का सत्र है, गजेंद्र सिंह जी का सत्र है, चंद्रशेखर जी का सत्र है, मेरा खुद का एक सत्र है, डॉक्टर सतीश पूनिया का सत्र तो होना ही है। इस प्रकार सभी लोग, प्रमुख लोग अलग अलग विषय पर बात करेंगे, इस बार विचार विमर्श होगा। तो आज की बैठक शुरू हो गई है, हमसे खास बातचीत की है उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से सत्र होंगे और किस तरीके से यहाँ पर चर्चा होगी, और ख़ास तौर पर यह कि उन्होंने कांग्रेस पर भी दंज कसा है कि उनकी पार्टी की स्थिति यह है और इनकी पार्टी की स्थिति यह है। विजय फौजी के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, माउंट आबू। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज माउंट आबू की इस धार्मिक स्थली के ऊपर प्रारंभ हुआ है। आज पहला सत्र अभी हुआ है, उद्घाटन सत्र, जिस सत्र के अंदर डॉक्टर सतीश पुनिया प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने पहला उद्बोधन दिया। उसके बाद में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ऊपर माननीय गुलाब चंद जी कटारिया, जो नेता प्रतिपक्ष है, उनका उद्बोधन हुआ। ये आज 10 तारीख है, 10 तारीख को 6 सत्र पूरे दिन भर के अंदर रहेंगे। कल 11 तारीख को 7 सत्र इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर रहेंगे और परसों 2 सत्र रहेंगे। इस तरीके से अलग अलग विषयों के ऊपर अलग अलग सत्र रहेंगे और बूथ से लेकर और संपूर्ण संगठनात्मक चर्चा परिचर्चा संपूर्ण होगी और भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी इस विचार को लेकर चलती है। और आने वाले समय के अंदर पहले मंडल तक हमारा काम था, अब शक्ति केंद्र तक पहुँचा, उसके बाद बूथ तक पहुँचा और अब पन्ना प्रमुख की नियुक्ति तक हमारा काम पहुँच रहा है।